हम सब एक समान। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उसकी अपनी विशेष पहचान हो। इसी भाव पर आधारित इस एकांकी में हाथों की पांचों उंगलियां अपनी अपनी विशेषता को लेकर विवाद करती हैं, जबकि उनका कार्यस्थल समान होने के कारण वे एक दूसरे की पूरक हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उसके गुणों से जाना या पहचाना जाता है, उसके आकार या रूप रंग से नहीं। यह एकांकी छोटे बड़े का भेद भुलाकर समानता का संदेश देती है। इस एकांकी में पांच पात्र हैं, जिनमें एक लड़का तथा चार लड़कियां हैं। लड़का अंगुष्ठ यानी कि अंगूठे की भूमिका निभा रहा है तथा चार लड़कियां क्रमशः तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा की भूमिका निभा रही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं एकांकी का। मंच पर चारों लड़कियां मैं बड़ी कहकर झगड़ा कर रही हैं, शोर मचा रही हैं। तभी एक तगड़ा नाट्यकद का लड़का अंगुष्ठ वहां प्रवेश करता है। अंगुष्ठ खींच कर कहता है, कितना शोर मचाती हो तुम लोग। तर्जनी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही थी। अंगुष्ठ दादा, आप ही हमारा न्याय कीजिए। क्या कोई लंबा होने से ही बड़ा हो जाता है, तर्जनी ने कहा। अंगुष्ठ ने फिर पूछा, तू यह बात क्यों पूछ रही है, बात क्या है। यह लंबू मध्यमा अपने आप को सबसे बड़ा समझती है, तर्जनी ने खींचते हुए कहा। अंगुष्ठ दादा कहते हैं, समझती ही तो है, समझने दे, कहती तो नहीं। इस पर अनामिका कहती है, नहीं दादा, यह कहती भी है। अनामिका की बात सुनकर मध्यमा बोल पड़ती है, अच्छा अनामिका, तू भी बोल पड़ी। अनामिका ने उसकी बात का जवाब दिया, क्यों ना बोलू, जो तर्जनी की शिकायत वही मेरी शिकायत। इस मामले में तर्जनी और मैं बराबर हूं, किंतु सच बात तो यह है कि मैं तर्जनी से भी बढ़कर हूं। उसकी बात सुनकर तर्जनी अपनी तर्जनी दिखाती हुए डांट कर कहती है, क्या कहा, मुझसे भी बढ़कर, मेरे तर्जन को तू जानती नहीं, अगर मैंने इशारा भी कर दिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। अनामिका कहती है, किसी और को तू अपना तर्जन दिखाना, मुझे नहीं, मेरी महत्ता को तू नहीं पा सकती। उन दोनों की बातें सुनकर अंगुष्ठ दादा कहते हैं, लो तर्जनी और अनामिका में ही झगड़ा शुरू हो गया। यह कनिष्ठा भली है, किसी से लड़ती नहीं, सबसे छोटी है ना। इस पर कनिष्ठा कहती है, सबसे छोटी क्यों, मैं तो आपके बराबर हूं। अंगुष्ठ दादा हंसते हुए कहते हैं, मेरे बराबर कैसे। कनिष्ठा कहती है, नाप लो, ऊंचाई में हम दोनों बराबर हैं। यह सुनकर तर्जनी कहती है, चुप रह, दादा के बराबर बनने चली, कहां दादा और कहां तू। कनिष्ठा उत्तर देती है, बनने नहीं चली, बराबर हूं, दादा सिर्फ मोटे चौड़े हैं और मैं पतली। अंगुष्ठ कहते हैं, अच्छा अब यह झगड़ा बंद करो, जाओ अपना अपना काम करो। अंगुष्ठ की बात सुनकर तर्जनी कहती है, नहीं दादा, आज काम नहीं होगा, आज तो यह तय होकर रहेगा कि हम चारों में बड़ा कौन है। तर्जनी की बात सुनकर अंगुष्ठ दादा कहते हैं, अच्छा चल आज यही तय हो जाए कि बड़ा कौन है, बोल मध्यमा, तेरा क्या कहना है। मध्यमा उत्तर देती है, मेरा क्या कहना है, मुझे जैसा भगवान ने बनाया वैसी हूं, मुझे लंबा बनाया गया इसलिए बड़ी हूं, पर उसके लिए मैं कोई पुरस्कार नहीं चाहती। अनामिका कहती है, पुरस्कार चाहने से थोड़े ही मिलता है, बड़े बड़े मंगल कार्य करने पड़ते हैं, मंगल घट पर स्वास्तिक का चिन्ह मैं बनाती हूं, तब मुझे पुरस्कार में अंगूठी क्यों ना मिले। कनिष्ठा कहती है,
अंगूठी तो मुझे भी मिली है। तर्जनी कहती है, अलंकार तो वे पहनते हैं जिनमें तेज ना हो, मुझमें तो इतना तेज है कि बड़े बड़े दुश्मन मुझे देखकर डर जाते हैं। अंगुष्ठ दादा कहते हैं, बस बस हो गई तुम सबकी यशगाथा, लेकिन देखो अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर मध्यमा कहती है, दादा लगता है आज आपको कोई काम नहीं है, इतनी देर तो आप हमारे बीच कभी नहीं रहे। तर्जनी कहती है, तो फिर क्या निर्णय रहा, हम चारों में बड़ा कौन है? अंगुष्ठ दादा कहते हैं, मैं क्या बताऊं, तुम लोग स्वयं निर्णय करो। मध्यमा कहती है, नहीं दादा तुम ही तय कर दो, रोज रोज का झगड़ा दूर हो। यह सुनकर अंगुष्ठ दादा कहते हैं कि ठीक है, मैं ही तय किए देता हूं, मैंने तो यह सुन रखा है कि संसार में जो जितना झुकता है, जितना विनम्र होता है, वह उतना बड़ा होता है। तुम सब मेरे सामने झुको, तुम्हें देखकर मैं अपना निर्णय सुना दूंगा। सब झुकते हैं, सबके मस्तक बराबर रहते हैं। यह देखकर अंगुष्ठ दादा कहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम समान हो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सब लड़कियां प्रसन्न होकर नाचती गाती हैं, हम सब एक समान दादा, हम सब एक समान। भिन्न भिन्न आकार भले हो, भिन्न हमारा काम भले हो, जब मिलते हैं तब होते हैं हम सब एक समान दादा, हम सब एक समान। जो विनम्र जितना बनता है वह ऊपर उतना उठता है, नया ज्ञान यह मिला कि दादा हम सब एक समान। उंगली अलग ना कुछ कर पाती, मिल जाती थप्पड़ बन जाती, दादा का भी साथ मिला तो फिर मुक्का बलवान, दादा हम सब एक समान, दादा हम सब एक समान।